ये बर्गर ओवरफ्लो हो रहा है, मेरा भी अब मन कर रहा है खाने का, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। तीन तीन पिज्जे है, तीन तीन पिज्जे, कौन सा खाओगे आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपका एक और डेली ब्लॉग में। आज के ब्लॉग को एंड तक देखना, आपको दिखाएंगे आपके पिकू पाजी ने बनाया था मम्मा के लिए बर्गर जब डोसे बने थे, और बहुत सारी खाने की चीजें हैं, वीकेंड वाली वाइब्स है पूरी की पूरी। और आप बताना कि आपका क्या वीकेंड के प्लान्स है, लेट्स बिगिन द ब्लॉग। भाई हम भी बिक गए, बारिश बंद हो गई, जब आया था तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, थोड़ी सी बारिश में पूरा भीग गया। अब इनका ना क्या रहता है, 7:05, 7 बजे की क्लास थी तो 7:05 तक मेरे को चेक इन करना है, वरना मेरी पेनल्टी लग जाएगी। गाड़ी से आता तो क्लास हो ही नहीं पाती, उल्टा जाना पड़ता। स्कूटी से आया और यहाँ पे पार्किंग की भी जगह नहीं है। चलो घर चलते हैं। क्या बना रहे हो, क्या, व्हाट इज द मैटर, इज द कुकिंग चल रही है? उत्तपम तो बहुत टेस्टी उत्तपम चल रहा है। तो आपने पिज्जा नहीं खाना? पिज्जा टड़ाड़ाड़ी, ओ पिज्जा अड़ाड़ी, पिज्जा तुम खाओ, हमारे तो भाई दाल रोटी सिंपल खा लेते हैं यार हम बस। तो ये उत्तपम कौन खा रहा है? उत्तपम मैं खा रही हूँ, इनके गट्टे रखे हुए हैं, गट्टे से रोटी खाएंगे, मम्मी ने टेस्टी गट्टे बनाए थे। थैंक यू। वाओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं बनाऊंगा शॉर्ट्स पिज्जा के लिए। नाइस, कुकिंग पाजी वाली रेसिपी के गट्टे पड़े हमारे पास, कुकिंग पाजी, पर अभी वो आएगी नहीं, उसको टाइम लगेगा ना उसको, बट वो शूट हो चुकी है। Yes. दो तीन हफ्तों में कभी तो आई जाएगी। हाँ, अभी अभी सूजी के पकौड़े की रेसिपी डली है ना, तो ये आप जब देखोगे तब तक डल चुकी होगी, मजा आएगा देख के। कैसी लगी आपकी गार्लिक ब्रेड? बहुत टेस्टी थी। पापा ने बोला कि भाई ये जो है, हम लोगों ने तो भुट्टा खा लिया था बाहर, तो गार्लिक ब्रेड मंगवाई जाए जरा। सुनने में आपने गार्लिक ब्रेड नहीं खाई? सिर्फ इन्होंने नहीं खाई, मैंने तो खाई थी। पापा, मेरे को तो अपना शेयर मिल गया था टुकड़ा। पापा, मैंने और नम्रता ने, पापा कुछ खाए और नम्रता को ना दे वो हो ही नहीं सकता। तो गार्लिक ब्रेड तो गार्लिक ब्रेड है, अब गाय ने खुद ही मना कर दिया। क्या पर गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा में एक पनीर वाला पिज्जा है, खा लो। देखूंगा अगर मन हुआ तो, एक पनीर वाला पिज्जा है। मैंने पी लिया, गट्टे बड़े। सुबह का खाना नहीं खाया अभी तक? लौकी, इसका मतलब अभी पापा भी गट्टे अपने खाएंगे, गायन भी अपने गट्टे खाएंगे, सूजी के उत्तपम बन रहे हैं। आपको मेरे को एक गार्लिक ब्रेड खिलानी है, आपको खिलाऊंगी। अच्छा, मैंने स्टोरी देखी थी, ब्लॉग कमिंग एट 9:00। कोई नहीं बड़े भाजी, होता होता है, आज ये थोड़ा लंबा वाला ब्लॉग था मम्मा, ऐसे ही होता है, सर्टेन ब्लॉग्स आर लाइक सच, हो जाता है कई बार। गुड वर्क बड़े भाजी, ब्लॉग्स कमिंग कंसिस्टेंटली, कूडोस, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड, कीप इट अप। हम भी सीख रहे हैं कुछ, आप भी कमेंट्स में लिख दो बड़े भाजी ओपी, यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। चलो भाई अब शॉर्ट्स बनाई जाए। तीन तीन पिज्जे है, तीन तीन पिज्जे, कौन सा खाओगे आप? एक तो पनीर वाला है वो भाई खा लेगा, भाई हम लोग शॉर्ट्स तो बनाते हैं, भाई खाएगा तो हमारे को मना ही है क्या? हाँ नहीं, मतलब वो है पनीर है और ये पता नहीं कौन कौन सा है, डोमिनोज के कुछ कुछ नए पिज्जा आए हुए थे, और एक ऐसा आया हुआ था जो थोड़ा पुराना था पर मैंने कभी नहीं खाया रखा था मेरे हिसाब से, तो मैंने वो भी मंगवा लिया। लेट्स मेक शॉर्ट्स। अभी मिडनाइट, कुछ ऐसे लाइट सा स्नैक बना रहा हूँ, आलू टिक्की टाइप सब बना रहा हूँ, आलू का मसाला डोसा बनाना था बट बैटर ही खत्म हो गया है। भाई से पूछो, भाई ने खाना है? नहीं। तो ये अभी थोड़ा सा प्याज लिया मैंने और इसका मसाला बनाना था। यहाँ पे ना उदयपुर गए थे हम लोग तो हमें मिला था ये मसाला, इसकी क्या कहानी है उदयपुर के ब्लॉग में आप देखेंगे, देख चुके होंगे, मैं वो पर्टिकुलर ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। तो ये हमें रजत भाई ने ये मसाला दिया था दाल पकवान के साथ में, और ये मसाला दिया था, ये उनका जीरा वाला मसाला था, थोड़ा सा वो मसाला यूज़ किया और थोड़ा सा घर का जो अचारी मसाला है वो यूज़ किया। एकदम फैंसी चीज़ लेट नाइट बनाने के लिए जिसमें बिल्कुल मेहनत ना करनी हो। प्याज थोड़े से कटे हुए पड़े हुए थे सुबह के, शाम के, तो वो, और बंस को लाइटली टोस्ट कर रहे हैं। अब असेंबली, मम्मा ने बोला एकदम स्ट्रीट स्टाइल खाना है, ज़्यादा तामझाम रखना नहीं है क्योंकि बर्तन ज़्यादा यूज़ नहीं करने। थोड़ी सी हरी चटनी, वो मम्मा के बर्थडे पे जो वो आया था हैम्पर सा, उससे पड़ी हुई है। थोड़ी सी सौंठ की चटनी, ओके, आई एम वेरी स्लीप डिप्राइव्ड।
थोड़ी सॉल्ट की चटनी, थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे और थोड़ा सा धनिया डालेंगे क्योंकि मम्मा लव्स धनिया, तो धनिया भी डालेंगे इसमें। और ये हमारा इंस्टेंट मसाला बनके रेडी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बटर में सेकेंगे और फिर असेंबल करके मम्मा को दे देंगे। दैट विल बी द थिंग टू डू, लेट्स असेंबल इट। यस ब्लॉक पुलिस, क्या टाइम क्या हो रहा है? हेलो पापा जी, नहीं टाइम क्या हो रहा है पहले मुझे ये बताओ, दोनों जाने देवर भाभी, क्या टाइम हो रहा है? आई थिंक 1:35 हो चुके हैं। और ये चल क्या रहा है तुम रात को, क्या बर्गर बना रहे हो? मेंटेनेंस वो बना रहे हो, डाल दिया हैं लो मेंटेनेंस। मम्मा ने बोला था लो मेंटेनेंस बर्गर बनाना है देसी, तो हम लोग वही बना रहे हैं। मेरे पापा आ जाए किचन में, मैं कहा क्या चल क्या रहा है? जो रजत भाई ने उदयपुर में मसाले दिए थे ना, उसमें 10-12 चीजें डली हुई है। तो मम्मा ने जो अपना बनाया था, जो मम्मा जब भी कुछ बनाती है अचारी मसाला, वो भी यूज कर लिया, खाना नहीं खाया तो आप 1:30 खाना खिला रहे हो है? ये लो मम्मा भी, अभी बंस हमारे टोस्ट हो चुके हैं आपके लिए। मम्मा देख लो 1:30 खाना बना रहे हैं। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा आप तीनों मेरे क्यों पीछे पड़े हुए, मुझे नहीं है भूख। अच्छा यहाँ नहीं है, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मम्मा 3 घंटे आपने किचन में काम करा है, वो 3 घंटे वो मैं कर लेती हूँ कोई नहीं, पर मेरे को नहीं मन है मेरा कुछ खाने का। मेरे को तो आवाज आई, मैं देखा क्या बना रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना बोला था कि तुम्हारी मम्मा ने आज खाना नहीं खाया, मैंने तो वो दूध सोडा पी लिया था। तीनों जाने मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब मम्मा नहीं, थोड़ा सा खा लो। क्या यार, अगर वो चौथे को मैंने बोल दिया ना तो वो पूरा लेक्चर सुना देगा। वो गायनो पूरा मम्मा खाली पेट नहीं सुना, मैंने को कहा इडली सांभर रखा हुआ था, वो पूरी पूरी कहानी सुना देगा। नहीं इसीलिए मैं उसका नाम ही नहीं ले रही, यूनिक करूं आपके बर्गर के बन में। तू एक्सपेरिमेंट ना कर, नहीं पिकू नहीं, मम्मा को नॉर्मल बर्गर खिला। मैं आपके धनिया भी पसंद है ना, धनिया भी डाल दो। चलो मम्मा को तो ग्रीन जल्दी बनाओ और खाओ और सो जाओ, बस बन गया। 1:30 लगे हुए हैं, ये बर्गर ओवरफ्लो हो रहा है, मेरा भी अब मन कर रहा है खाने का, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। खा ले ना, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ कोई बहुत थोड़ा, टेस्ट करके बताओ। ये मैंने एकदम अपना देसी 5 मिनट हैक बनाया, ये तो 5 मिनट है, ये तो शॉर्ट्स बन सकते हैं, शॉर्ट्स। वाओ, ऊपर ये वाली सॉल्ट वाली और नीचे हरी है। आपने जैसे बोला था प्याज लंबा लंबा करके डाला, पर वो नीचे आपको दिखेगा नहीं, ज्यादा गर्म है ना, मेरे को टाइम थोड़ा। हाँ आराम से थोड़ा सा मसाला टेस्ट करके देखो। मसाला टेस्ट कर लेते हैं, मसाले में आपका धनिया दुनिया सब डाला मैंने, मसाले स्वाइन ठीक है, मेरे को ज्यादा चटपटा नहीं अच्छा लगता, बट दिस इज ओके। इसमें मैंने क्या क्या यूज किया, आपका अचारी मसाला जिसको आप भिंडी वाला वो यूज करा, फिर वो उदयपुर गया था ना तो रजत भाई ने मसाला दिया था, वो 8-10 मसालों का मिक्स वो यूज किया, तो वैसे 2-3 मसाले यूज किए, ब्लेंड ऑफ मसालों के मिक्स, जैसे गरम मसाला टाइप के। अच्छा, और बस हल्का सा ऊपर नमक डाला है, चटनी घर में पड़ी हुई थी हरी और वो दूसरी। आराम से खाओ, अभी गर्म है, आराम से खाओ। TGIF ग्राइंड, आज अभी शूट भी करा था तो काफ़ी ज़्यादा खा लिया, बॉक्सिंग भी सही थी, बट अब बॉक्सिंग कुछ दिन के लिए नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि अब 2-3 दिन अभी मत करो, क्योंकि अब स्टार्टिंग में आ दो ना तो नकल्स बचा के रहते हैं, उन नकल्स में थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में मतलब स्किन छिल जाती है, मतलब आदत नहीं होती ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बॉक्सिंग गलत कर रहे हो, वो बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है और प्रेशर लगता है तो वो चीज़ होती है। तो जैसे ही मेरे को आज पता चला है कि जब आप बॉक्सिंग करने जाते हो और आपकी स्किन हल्की सी भी छिलती है तो आप 2-3 दिन का गैप लो, नॉर्मल कुछ भी और भी एक्सरसाइज वगैरह कर लो, बस बॉक्सिंग मत करो और फिर 2-3 दिन बाद फिर से आओ। दिस इज़ फॉर स्टार्टिंग 1-2 हफ्ता, उसके बाद फिर आपको बॉडी को आदत हो जाती है, यू गेट यूज टू इट। कौन जीता? ऑब्वियसली। अच्छा जी, आज करण नहीं है ना तो सब अपनी अपनी मर्जी से खेलते हैं। हाँ जी, क्या चल रहा है? रोटी बनाई जा रही है लच्छे पर, हाँ ये रहा लच्छा पराठा, गट्टे की सब्जी और ये चीले। भाभी ने आपके लिए भी बनाए? तो आप गट्टे नहीं खा रहे थे? नहीं मैं नहीं खा रही, क्योंकि डियर मम्मा ये एक ऐसा प्राणी होता है घर में जो कुछ भी अगर कम हो जाता है तो मम्मा का सडन नहीं खाने का मन कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ये प्राणी को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, इन्हें कहते हैं मम्मा। ऐसा कुछ नहीं, बता दो गट्टे अगर और हैं तो इसके अलावा। हाँ है ना, बहुत सारे हैं, दिखा दो। मैं नहीं दिखाऊं क्योंकि ये मम्मा नाम के प्राणी होते हैं ऐसे। मैंने बोला है मम्मा को कि जितने गट्टे हैं दोनों ने मिल बांट के खाने हैं। ये मम्मा नाम के प्राणी होते हैं। मम्मा इज हेल बेंट ऑन डूइंग दिस, और दूसरा मम्मा को ये है कि थोड़ा वो
वो वाले है ना, तो फिर मम्मा कहती मैं अब रात को इतना वो नहीं खाऊंगी। ये तो लाइट है, हेल्दी है। मैंने मम्मा को बोला कि भाई मैंने इतने नहीं खाने, आधे आधे खाएंगे। पर ये मम्मा नाम के जो होते हैं ना प्राणी दुनिया में, ये अपने को छोड़ के बाकी सब का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही होता है। मम्मा आर ग्रेट, मम्मा आर ग्रेट, ऑल द मम्मा। आपकी मम्मा भी ऐसी थी? मम्मा तो बहुत प्यारी थी। चलो जी, इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। सुबह जब गए थे तो बारिश नहीं हो रही थी, तब थोड़ा बहुत एसेंस ही करा था, मतलब दैट इज स्ट्रेंथ। अभी तो बॉडी में बिल्कुल है ही नहीं कि आप कुछ कर सको। तो ये कल्ट का क्या रहता है ना, मतलब मैंने पैसे भरे हैं इसके लिए, किसी ने ऐसे मेरे को बोला नहीं है बोलने के लिए आपको, पर कल्ट का क्या रहता है कि कोई आपको सिखाता है ना तो पता चल जाता है आप चार चीज़ें क्या गलत कर रहे हो, आप वो ठीक कर सकते हो और आपकी बॉडी में जान आ सकती है। अभी तो बॉडी बिल्कुल ऐसी है जैसे फैट भरा हुआ है बॉडी में, मसल नामक की चीज़ बहुत कम है बॉडी में। तो इसलिए SNC और HRX वगैरह मैं करते रहता हूँ ताकि धीरे धीरे ही सही मसल तो बॉडी में बने, थोड़ी स्ट्रेंथ तो आए। SNC करने में ज़्यादा इतना वो नहीं होता, मतलब शर्टें नहीं भीगती। फिर शाम को बॉक्सिंग करने जब गए थे तब शर्ट भीगी थी, बट वो मेरी मेहनत से नहीं, वो ऊपर वाले की मेहनत से भीगी थी क्योंकि बारिश हुई थी। पर अभी जो शर्ट भीगी, अब वो पूरी प्रॉपर मेरी मेहनत से भीगी है क्योंकि बैडमिंटन जितना कार्डियो और कहीं पर नहीं होता, और क्या मस्त खतरनाक कार्डियो होता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, बात करेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। कल है बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वीकेंड सैटरडे, कल कमाक्षी को भी काम है बहुत सारा, मेरे को भी काम है, तो हमने बोला ऐसी टाइप की डेट करते हैं, वर्किंग डेट टुमारो। कल देखेंगे ना क्या होगा।